Everyone, welcome to ITLS Academy. हमारा आज का लेक्चर है मैन्युफैक्चर ऑफ केसीन एंड कैसीनेट्स. सो लेट अस सी व्हाट आर केसीन एंड कैसीनेट्स. एडिबल केसीन इज प्रोड्यूस्ड अंडर सैनिटरी कंडीशंस. सैनिटरी कंडीशंस में एडिबल केसीन, एडिबल का मतलब जो खाने के योग्य होती है, ऐसी केसीन को प्रोड्यूस किया जाता है विद द यूज ऑफ फूड ग्रेड केमिकल्स एंड सफिशियंटली हीट ट्रीटेड टू मेक इट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन. इसको बनाने के लिए सारे ही फूड ग्रेड केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और प्रॉपर इसकी ट्रीटिंग की जाती है ताकि जो ह्यूमंस के लिए कंजप्शन के लिए या जो हम कह सकते हैं कि खाने पीने के लिए ये सेफ रहे, कोई भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट ना हो. एडिबल कैसीनेट्स मीन्स द केसीन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एडिबल केसीन और फ्रेश केसीन कर्ड विद फूड ग्रेड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू एन अप्रोप्रिएट हीट ट्रीटमेंट. एडिबल केसीनेट का मतलब होता है एक ये केसीन का ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ एडिबल केसीन और इसके साथ में ही कर्ड को, केसीन कर्ड को मिलाया जा सकता है विद फूड ग्रेड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट. एडिबल केसीन में अगर आप फूड ग्रेड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ से आप एडिबल कैसीनेट्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं. इट मे बी स्प्रे और रोलर ड्राइड. इनको स्प्रे या रोलर ड्रायर से भी ड्राई किया जा सकता है. स्प्रे ड्रायर और रोलर ड्रायर को हम लोग ऑलरेडी ही बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इन सब के बारे में इस लेक्चर में तो डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप स्विच कर जाइए पुराने लेक्चर्स पे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ. केसीन प्रोटीन्स विच कंप्राइज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन ऑफ फ्लूड मिल्क. जो केसीन मिल्क होता है इसको मिल्क प्रोटीन ही बोला जाता है और टोटल प्रोटीन का 80% पार्ट बनाती है ये मिल्क में. केसीन प्रोटीन आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सो कॉल्ड वे प्रोटीन्स बाय देयर इनसॉल्युबिलिटी एंड टेंडेंसी टू प्रेसिपिटेट एंड कोआगुलेट एट द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. अभी जो केसीन प्रोटीन है इसको पहचाना कैसे जाता है? जो नॉर्मल वे प्रोटीन होती है उनसे पहचानने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है इनसॉल्युबिलिटी की. इनसॉल्युबल होती हैं ये, प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और इनका कोआगुलेशन हो जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे, और इसके थ्रू आप इजिली केसीन को पहचान सकते हैं. केसीन आइसोलेटेड बाय एडजस्टिंग द पीएच ऑफ स्किम मिल्क टू 4.6 इज जनरली नोन एज एसिड केसीन. पीएच को 4.6 पे करके जिस केसीन को बनाया जाता है, क्योंकि ये एसिडिक पीएच हो गया है इसीलिए इसको एसिड केसीन बोला जाता है. केसीन में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द यूज और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोआगुलेंट यूज. किस टाइप का आप यूज करने जा रहे हैं या उसमें कोआगुलेंट किस टाइप का यूज किया गया है, इसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है. सो बेस्ड ऑन द यूज एज ऑलरेडी मेंशनड इट इज क्लासिफाइड इनटू एडिबल एंड नॉन एडिबल केसीन. दो तरीके की होती है, या तो वो खाने के योग्य होगी या खाने के योग्य नहीं होगी. दूसरा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोआगुलेंट यूज्ड इट इज क्लासिफाइड इनटू एसिड केसीन एंड रेनेट केसीन. कोआगुलेशन के लिए एसिड का यूज़ किया गया है या रेनेट का यूज़ किया गया है इसके बेस पे डिपेंड करेगा. जो चीज़ यूज़ की जाएगी उसी के टाइप की केसीन का फॉर्मेशन होगा. द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एडिबल केसीन. कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि केसीन के अलग अलग टाइप्स में पाई जाती हैं, तो चलिए उनको देखते हैं.
सबसे पहला है मॉइस्चर। मॉइस्चर फॉर द नॉन एनिमल रेनेट केसिन नॉट मोर देन 12%, 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर ये नॉन एनिमल रेनेट केसिन है। लेकिन अगर यही एसिड केसिन है सो इट शुड नॉट मोर देन 12% अगेन। एंड केसिनेट्स के बारे में अगर बात करें तो मॉइस्चर 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला आता है मिल्क फैट। मिल्क फैट तीनों की ही अगर बात करें तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन अगर बात करें नॉन एनिमल रेनेट केसिन की तो ये 84% से कम नहीं होना चाहिए। एंड फॉर एसिड केसिन इट शुड नॉट बी लेस देन 90%। एंड फॉर कैसिनेट्स इट इज़ नॉट लेस देन 88%। नेक्स्ट आता है केसिन इन प्रोटीन। केसिन 95% से कम नहीं होनी चाहिए फॉर दी नॉन एनिमल रेनेट केसिन। वाइल फॉर दी एसिड केसिन एंड केसिनेट्स दिस वैल्यू इज स्टिल सिमिलर। अगर बात करें एश की तो एश नॉट लेस देन 7.5% फॉर नॉन एनिमल रेनेट केसिन। वाइल फॉर दी एसिड केसिन इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5%। कैसिनेट्स के लिए एश का एप्लीकेबल नहीं होता है, कह सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। अगला आता है लैक्टोज। लैक्टोज अगर बात करें नॉन एनिमल रेनेट केसिन की तो ये 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड बाकी सबके लिए भी सेम रहती है वैल्यू, 1% से ज़्यादा का लैक्टोज कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। फ्री फैटी एसिड की बात करें तो फॉर द नॉन एनिमल रेनेट केसिन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। वाइल फॉर द एसिड केसिन इट शुड नॉट बी मोर देन 0.27%। एंड फॉर द कैसिनेट्स इट इज़ अगेन नॉट एप्लीकेबल। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू नॉन एनिमल रेनेट केसिन और एसिड केसिन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, जबकि अगर कैसिनेट्स की बात करें तो 8% से ज़्यादा पीएच नहीं होना चाहिए। सो हियर इज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर पे बात करते हैं और सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि हम एसिड केसिन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रिसीविंग ऑफ मिल्क। मिल्क को रिसीव किया जाता है। गुड क्वालिटी स्किम मिल्क इज ऑलवेज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केसिन। केसिन को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि अच्छी क्वालिटी का मिल्क होना चाहिए और यहाँ पे स्किम मिल्क को प्रेफर किया जाता है। अगला आता है टेम्परिंग। द टेम्परेचर शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के दौरान टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है तो इसका बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए टेम्परेचर को। सिंस द केसिन कर्ड इज सेंसिटिव टू हीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो केसिन कर्ड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं जो केसिन है प्रोटीन है, ये काफ़ी हीट सेंसिटिव होती है। अगर हीट को ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो ये प्रोटीन डिग्रेड होने लगेगी। अगला आता है प्रेसिपिटेशन। केसिन एग्जिस्ट इन मिल्क एज अ कैल्शियम कैसिनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। अब केसिन की अगर बात करें तो मिल्क में ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होती है, ये एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कॉम्प्लेक्स में कौन होता है, कैल्शियम होता है, कैसिनेट होता है और फॉस्फेट होता है। इतनी सारी चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। एट अबाउट पीएच 5.3 द केसिन बिगन्स टू प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर केसिन को प्रेसिपिटेट करना है तो 5.3 के आसपास, इस पीएच के आसपास जो केसिन है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देती है। एंड एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ केसिन दैट इज़ अबाउट 4.7 द मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन अकर। पीएच 4.7 पे जो केसिन प्रोटीन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है और इसी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन है वो देखा जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेनिंग एंड वॉशिंग. द लॉन्गर द केसीन कर्ड स्टैंड्स इन द वे द मोर डिफिकल्ट इट बिकम टू रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक वे प्रोटीन लैक्टोज सॉल्ट एंड एसिड. केसीन कर्ड जो होता है, केसीन कर्ड जितने ज़्यादा टाइम तक वे में रहेगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसमें से इम्प्योरिटीज़ को बाहर करना, बाहर निकालना. हैंस द वे इज रिमूव्ड प्रॉम्प्टली. वे को तुरंत ही निकाला जाता है. एट लीस्ट टू वॉशिंग आर रिक्वायर्ड. इसको वॉश करने के लिए लगभग दो बार में वॉश करना पड़ता है, तब जाके ये प्रॉपरली अच्छे से वॉश हो पाता है. एज अ रूल ऑफ थंब द अमाउंट ऑफ वॉश वाटर रिक्वायर्ड टू एडिक्वेटली वॉश केसीन कर्ड इन द वैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लीटर्स पर 1 kg ऑफ स्किम मिल्क. वॉश वाटर की अगर बात करें कितना वाटर चाहिए होगा केसीन की वॉशिंग के लिए, तो अगर 1 kg ऑफ स्किम मिल्क को आप वॉश कर रहे हैं तो इसके लिए लगभग 0.7 लीटर आपको चाहिए होगा. आगे देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट रखा हुआ है, इस फ्लो चार्ट को भी डिस्कस करेंगे. पहले हम पूरी प्रोसेस देखते हैं. अगला स्टेप होता है प्रेसिंग का. एट दी स्टेज इमीडिएटली प्रायर टू ड्राइंग से जस्ट पहले की स्टेज होती है प्रेसिंग. सम फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कर्ड इज नेसेसरी सो दैट द कॉस्ट ऑफ इवेपोरेटिंग द रिमेनिंग वाटर इन द कर्ड इज मिनिमाइज्ड. इसको प्रेस किया जाता है ड्राई करने से पहले. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप ड्राई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो ड्राई करने में प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए उसको प्रेस करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वे है, जो मॉइस्चर है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है और बचा हुआ जो होता है उसको ड्राई करके बाहर कर दिया जाता है. तो इस तरीके से प्रेसिंग हेल्प करता है इन इवेपोरेटिंग द रिमेनिंग वाटर इन द कर्ड. अगली चीज़ है मिलिंग एंड स्प्रेडिंग. After being pressed, the curd is milled to produce particles of uniform size and surface for drying. जब प्रेस कर दिया जाता है पार्टिकल्स को, प्रेस करने के बाद में इनको यूनिफॉर्म साइज़ का बनाना होता है ताकि कोई ऐसा ना हो कि किसी का साइज़ ज़्यादा है, किसी का साइज़ कम है, और ताकि ड्राई भी प्रॉपर हो जाते हैं जब इनका पार्टिकल्स का साइज़ यूनिफॉर्म होती है. If it is not milled, it dries unevenly. अगर इसको मिल नहीं किया जाता है तो जो ड्राई होके आपको केसीन मिलेगा वो अनइवन होगा, मतलब इवन नहीं होगा, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स नहीं होंगे, कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है, कुछ इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. फाइनली आता है ड्राइंग. ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम केसीन. केसीन से वाटर के रिमूवल, पूरी तरीके से वाटर के रिमूवल को, क्योंकि वाटर तो हम प्रेस करके भी रिमूव कर रहे थे, लेकिन ड्राई करने के बाद में वाटर को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और लगभग 8% से भी नीचे ले आते हैं. इट इज एसेंशियल टू कंट्रोल द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द इनलेट एयर करेक्टली इफ द कर्ड इज टू बी एफिशिएंटली ड्राइड. अगर कर्ड को प्रॉपरली अच्छे से ड्राई करना है तो इसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना होता है. एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी में ही इसको ड्राई किया जा सकता है. अभी जो केसीन ड्राई होके आ गई है, अब इसको ग्राइंडिंग की जाएगी. आफ्टर प्रॉपर कूलिंग, ड्राई करने के बाद कूल करेंगे केसीन को और उसके बाद में केसीन को ग्राइंडिंग की जाएगी. सो आफ्टर प्रॉपर कूलिंग केसीन इज ग्राउंड. केसीन को ग्राउंड किया जाता है. वार्म केसीन बिकम्स प्लास्टिक इन ग्राइंडर एंड स्टिक्स टू इट. अगर केसीन गर्म होती है तो ये प्लास्टिक जैसी हो जाती है ग्राइंडर में और उसी से चिपक के रह जाती है. इसीलिए इसको पहले ही कूल कर लिया जाता है. द फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. अब कितना ज़्यादा आप ग्राइंडिंग करेंगे, कितना ज़्यादा महीन इसको बनाना है, ये डिपेंड करेंगे
कि जो यूज़र है जो उस प्रोटीन को यूज़ करने वाले हैं उनको कितनी ज़रूरत है, कितना बड़ा पार्टिकल उन्हें चाहिए और कितना छोटा पार्टिकल चाहिए है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग एंड स्टोरेज। द ड्राइड केसीन वेदर फाइनली ग्राउंड और पार्शली ग्राउंड इज नॉर्मली पैकेज्ड आइदर इन जूट बैग्स लाइंड विद क्लोजली वोवन क्लॉथ और इन हैवी 3-ply पेपर बैग विद पॉलीथीन लाइनर। अब इसके स्टोरेज के लिए इसके लिए पेपर बैग का यूज़ किया जा सकता है, जूट के बैग में इसको पैक किया जा सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं एक बार फ्लो चार्ट पे। ये फ्लो चार्ट आपको चीज़ों को रिमेम्बर करने में बहुत हेल्प करेगा, आप बहुत इजीली सारे स्टेप्स को याद करके रख पाएंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था हमने, होल मिल्क लिया। सबसे पहला क्या था, रिसीविंग ऑफ मिल्क। अब मिल्क की रिसीविंग में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि मिल्क को ले लिया, उसको भी फिल्टर करना पड़ता है, क्लियर करना होता है, उसका फॉर्म चेंज करना होता है। देखिएगा कितनी सारी प्रोसेस आ रही है इसमें। पहले होल मिल्क लिया, उसका सेपरेशन किया, फिर उसको स्किम मिल्क में कन्वर्ट किया। अब इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद में इसकी टेम्परिंग की गई। टेम्परिंग के बाद में एडिशन ऑफ एसिडेंट ताकि इसका कोआगुलेशन हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए। अब मुझे नहीं लगता है कि सारी चीज़ों को किसी भी वर्ड को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर एसिड को जब ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन के बाद में इसका ड्रेनिंग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे स्टेप वाइज चीज़ें चल रही हैं। ड्रेनिंग के बाद में वॉशिंग की जाएगी। वॉश करने के बाद में प्रेस किया जाएगा। प्रेस के बाद में मिलिंग होगी। मिलिंग के बाद में अगेन ड्राई किया जाएगा इसको, और फिर ड्राई करने के बाद में ग्राइंडिंग होगी। ग्राइंडिंग के बाद में पैकेजिंग एंड फाइनली इसको स्टोर करके रख लिया जाएगा। और स्टोरेज की कंडीशंस क्या क्या थी, कैसे स्टोर करते हैं, 3-ply पेपर बैग, जूट बैग, कई सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये तो रहा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड केसीन। अगला आता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन एनिमल रेनेट केसीन। रेनेट इज अ प्रोटीन विच एक्ट एज अ कोआगुलेटिंग एजेंट इन मिल्क। रेनेट एक कोआगुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेनिन एंजाइम। उम्मीद है आप सभी ने ये एंजाइम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, जिसका कि मेन रोल होता है मिल्क के कोआगुलेशन में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यंग काफ्स फोर्थ स्टमक, दैट इज इसको अबोमैसम भी कहा जाता है। ये एक पार्ट होता है कैटल्स के स्टमक का, जहाँ से इस रेनिन एंजाइम को पाया जा सकता है, जहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। नॉन एनिमल रेनेट केसीन एसेंशियली यूज रेनेट सब्स्टिट्यूट। इसमें रेनेट सब्स्टिट्यूट का यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिमिलर टू, यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गई, रेनेट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है। रेनेट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि यहाँ पे डायरेक्टली रेनिन का यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह पे कोई दूसरे उसके जैसे ही पदार्थ का यूज़ होगा। इसलिए इसको नॉन एनिमल रेनेट केसीन बोला गया है, क्योंकि इसको एनिमल से एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं किया गया है। इसको बना के और इसको बनाने के बाद में रेनिन जैसा बनाया गया है तब इसको यूज़ किया गया है, इसीलिए इसको नॉन एनिमल रेनेट केसीन बोला जा रहा है। सिमिलर टू एसिड केसीन प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन एनिमल रेनेट केसीन हाई क्वालिटी फ्रेश स्वीट स्किम मिल्क इज एसेंशियल। एसिड केसीन की तरह ही ये नॉन एनिमल रेनेट केसीन को बनाने के लिए भी जो सारी चीज़ें वहाँ ज़रूरत हो रही थी, जैसे कि फ्रेश मिल्क चाहिए, स्किम मिल्क चाहिए, इन सारी चीज़ों की यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। स्किम मिल्क इज हीटेड इन अ जैकेटेड वैट। जैकेटेड वैट में इसको हीट किया जाता है और टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए।
Sufficient quantities of rennet and calcium chloride are added to the skim milk to give a setting time of 20 to 30 minutes. अब जब इसमें प्रॉपरली रेनेट को ऐड कर दिया गया, जितनी क्वांटिटी जितनी मात्रा में उसकी ज़रूरत है, और इसके साथ में ही कुछ मात्रा ऐड की जाती है कैल्शियम क्लोराइड की, अब इन सबको स्किम मिल्क में ऐड कर दिया गया और ऐड करने के बाद में इसको लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया जाता है. द रेनेट शुड प्रीवियसली हैव बीन डाइल्यूटेड विद 15 टू 20 टाइम्स इट्स वेट इन वाटर. अब जिस रेनेट को आपने ऐड किया है उस रेनेट को पहले से ही आपको कर लेना होता है उसको डाइल्यूट, ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एकदम से नॉर्मल हो जाए. आफ्टर कुकिंग द कर्ड इज प्रोसेस्ड इन द सेम मैनर एज फॉर एसिड केसिन. कर्ड की जो प्रोसेसिंग है वो एकदम सेम रहती है जैसा कि एसिड केसिन के लिए यूज़ किया जाता है. अगला आता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कैसिनेट. कैसिनेट्स द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ केसिन. केसिन एक इनसोल्यूबल फॉर्म थी, उसी का सोल्यूबल फॉर्म है कैसिनेट. मे बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड एसिड केसिन कर्ड. जो तुरंत का ही प्रेसिपिटेटेड एसिड केसिन है उससे आप कैसिनेट्स को बना सकते हैं. इसके अलावा और फ्रॉम ड्राई एसिड केसिन, ड्राई एसिड केसिन से भी बना सकते हैं. बाय रिएक्शन विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली सच एज सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इतने सारी अल्कली मटेरियल्स दिए गए हैं, इनकी मदद से भी आप इसको इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज़ करके भी आप कैसिनेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. केसिन सस्पेंशन एंड सोल्यूबिलाइजेशन. द फ्रेश केसिन कर्ड पास्ड फ्रॉम अ डी वाटरिंग डिवाइस. जो फ्रेश केसिन कर्ड है एसिड केसिन या ड्राई एसिड केसिन, इसको डी वाटरिंग डिवाइस से पास किया जाता है. इसमें लगभग 45% तक सॉलिड रहता है. इज माइनस एंड द फाइनली डिवाइडेड कर्ड इज मिक्स्ड विद वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसको क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है इसको, और जब छोटा छोटा सा पार्टिकल बन जाता है उसका, तो उसको वाटर के साथ में मिक्स कर दिया जाता है. और टेम्परेचर यहाँ पे दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड. अब वाटर के साथ में मिक्स करके इसको टू गिव अ सॉलिड कंटेंट ऑफ 25 to 30% सॉलिड ऐसा बना दिया जाता है. पहले आपने यहाँ पे देखा लगभग 45% तक सॉलिड प्रेजेंट था, फिर इसको बनाया गया तो इसमें 25 से 30% तक सॉलिड को रखा गया है. द टेम्परेचर ऑफ द इमर्जिंग स्लरी विच मे हैव द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूथपेस्ट. अब जो स्लरी यहाँ पे बनके तैयार होगी, जो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में, वो लगभग टूथपेस्ट जैसा होगा. टूथपेस्ट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता है, लेकिन इसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होता है. And now temperature should be below 45 degree centigrade. Since it has been observed that milled curd can re-agglomerate at high temperature, the main difficulties experienced in the conversion of acid casein to sodium caseinates are कौन कौन सी difficulty हो सकती हैं जो casein को convert करने में sodium casein को. सबसे पहली है very high viscosity of sodium caseinate solution of moderate concentration which limits the solid content for spray drying to 20%. बहुत ज़्यादा high viscosity इसको ये difficulty cause कर सकती है. इसके अलावा formation of a relatively impervious jelly-like viscous coating on the surface of casein particles which impedes their डिजोल्यूशन ऑन इस एडिशन ऑफ एल्कली. इसके एक ऐसे लेयर का फॉर्मेशन होता है जैसे जो बहुत इम्पर्वियस होती है, मतलब कह सकते हैं
उसके आर पार वाटर का भी आना जाना नहीं हो पाता है। जेली जैसी कुछ गाढ़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, विस्कस कोटिंग हो जाती है। और ये क्या करता है, ये एल्कली के एडिशन या डिसोल्यूशन में डिफ़िकल्टी कॉज कर देता है। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ एल्कली एंड पीएच कंट्रोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मोलारिटी 2.5 इज पम्प्ड इनटू द केसीन स्लरी एट अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपने मिक्स तैयार किया था उसमें NaOH को ऐड किया जाता है। द एडिशन ऑफ द डाइल्यूट एल्कली मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड विद द एम ऑफ रीचिंग अ फाइनल केसीन पीएच ऑफ 6.627। जो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर रहे हैं उसको इस तरीके से आपको रखना चाहिए कि जो फाइनल कैसीनेट बने उसका पीएच बहुत ज़्यादा ना हो जाए, वो अपनी रेंज में रहे, दैट इज 6.6 से लेके 7 तक इसका पीएच रहना चाहिए। अगला आता है ड्राइंग ऑफ सोडियम कैसीनेट सॉल्यूशन। द होमोजेनियस सोडियम कैसीनेट सॉल्यूशन इज यूजुअली स्प्रे ड्राइड इन अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। अब इसको ड्राई करने के लिए क्या किया जाता है, हॉट एयर की मदद ली जाती है, और हॉट एयर की मदद के साथ साथ स्प्रे ड्रायर में इसको ड्राई किया जाता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर एफिशिएंट एटोमाइजेशन ऑफ द सोडियम कैसीनेट सॉल्यूशन, इट मस्ट हैव अ कांस्टेंट विस्कोसिटी एज इट इज फेड टू द ड्रायर। अब इसके प्रॉपर एटोमाइजेशन के लिए इसकी विस्कोसिटी एकदम से कांस्टेंट होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। The total solid content of the solution destined for spray drying ranges between 20% and 25%। जो total solid content होता है ये 20 से 25 के बीच में इसका रेंज रहना चाहिए परसेंटेज में। At about 20% solid concentration of the sodium cassinate solution, approximately 4 kg of water need to be evaporated टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ पाउडर। लगभग 1 kg पाउडर जो होता है उसको इवेपोरेट करने के लिए लगभग 4 kg वाटर की ज़रूरत पड़ती है। फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम कैसीनेट का। सोडियम कैसीनेट के बाद में हम अगला पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं। पहले एसिड केसिन काट लिया, उसमें वर्म वाटर को ऐड किया गया। वर्म वाटर के एडिशन से क्या हुआ, केसिन का सस्पेंशन बन के तैयार हुआ। अब उस सस्पेंशन में एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया गया, और उसके बाद में कर्ड की वॉशिंग हुई। कर्ड की वॉशिंग के बाद में इसको सोल्यूबिलाइज किया गया। सोल्यूबिलाइजेशन के बाद में कैसीनेट का सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ। अब जो सॉल्यूशन बनके रेडी हुआ है उसको ड्राई किया जाता है, ड्राई स्प्रे ड्रायर में करते हैं। फिर इसको ड्राई करने के बाद में एक पाउडर के फॉर्म में रेडी कर लिया जाता है, दैट इज सोडियम कैसीनेट पाउडर। अब इस सोडियम कैसीनेट को पैकेजिंग की जाती है, पैक किया जाता है और इसको फाइनली स्टोर कर लिया जाता है। तो ये तो रही सारी प्रोसेस, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगला है हमारा कैल्शियम कैसीनेट। नेक्स्ट टू सोडियम कैसीनेट, कैल्शियम कैसीनेट इज कॉमन एंड फाइंड्स यूज इन बोथ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस एंड एज अ फूड इन्ग्रीडियंट। जो कैल्शियम कैसीनेट है इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में किया जा सकता है, इसके अलावा फूड इन्ग्रीडियंट की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है। द स्पेसिफिकेशन फॉर दिस प्रोडक्ट
वेरी विद इट्स इंड यूज, जो स्पेसिफिकेशन होते हैं इसके वो वेरी करते हैं कि इसका फाइनली यूज कैसे करना है। जैसा इसका यूज होगा उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बट दे फ्रीक्वेंटली इंक्लूड अ लिमिटेशन ऑफ द कैल्शियम कंटेंट टू विद इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5%। अब इनमें एक लिमिटेशन होती है कि इनमें जो कैल्शियम का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लगभग 1 से 1.5% तक होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरी वन, थैंक यू वेरी मच अगेन।